कस्बे में शनिवार को कई स्थानों पर तंबाकू अभियान के तहत सेक्टर अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र तंबाकू नियंत्रण अधिकारी वरिष्ठ दत्त चिकित्सक डॉक्टर सुमन मीना के नेतृत्व में टीम द्वारा 500 चालान काटकर 3,510 रुपए एकत्रित किए गए। उदयपुर वाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता के निर्देश अनुसार शहरी क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के मुरारी लाल छिपी, अरविंद कुमार बुगालिया के अलावा पुलिस विभाग के SI सतवीर सिंह कांस्टेबल कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल मंजीत आदि मौजूद रहे। और से कोटा एक्ट के तहत जो भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जो भी बेच रहे थे दुकानदार, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका चालान काटा गया और कई दुकानों पर नाबालिग जो बेच रहे थे उनको समझाइश की गई और चालान काटा गया। और मेरी भी लोगों से यही अपील है कि नाबालिगों को तो तंबाकू, गुटखा, जर्दा वैसे ही नहीं देना है। वैसे भी बहुत नुकसानदायक होता है, सिर्फ मुँह के लिए नहीं, ओरल हेल्थ के लिए नहीं, लीवर, पेट, हार्ट सबको ये डैमेज करता है और नुकसान पहुंचाता है। और मुंह के कैंसर ही नहीं और कई तरह की बीमारियां होती है इसकी वजह से। तो मेरे लोगों से यही अपील है कि गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट जो भी अपने शौक के लिए या स्ट्रेस की वजह से जैसे ही पीते हैं वो ना पिए। और इसमें चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग दोनों ने मिलकर इस मुहिम को चलाया और इसमें कार्य किया।